नाज़रीन, आज हमारे साथ मैडम लाला रुख मौजूद हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो कि लसबेला में पाकिस्तानी एक हेलीकॉप्टर था आर्मी का, वो तबाह हुआ जिसमें हमारे 6 फौजी शहीद हुए, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी मौजूद थे। प्लीज अल्लाह के वास्ते हमारी आर्मी को बुरा कभी भी ना कहें। आपको पता भी नहीं है कि वो किन हालात में रहते हैं और किस तरह से रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उमर खान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मैडम लाला रुख मौजूद हैं, प्रेडिक्शंस करती हैं, और हम दोबारा इनके पास आए हैं। जो ड्रेस है इन्होंने वो पिंक कलर का ही पहना है। ये भी पूछेंगे कि पिंक कलर इतना ज़्यादा ये क्यों पसंद करती हैं। कुछ ऐसे मामलात हैं जो पाकिस्तानी आवाम के सामने हम लाना चाहते हैं जो पिछले कुछ दिनों में हुए, जिसमें हमारी जो शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं हमजा शहबाज, वो हुकूमत से गए, और उसके बाद जो चौधरी परवेज़ इलाही आए, इसके बाद एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो कि लसबेला में पाकिस्तानी एक हेलीकॉप्टर था आर्मी का, वो तबाह हुआ जिसमें हमारे 6 फौजी शहीद हुए, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी मौजूद थे। बहुत कैपेबल अफसर थे, और हमारी दुआएँ हमारी हमदर्दियाँ तमाम उन फैमिलीज़ के साथ हैं जो पाक आर्मी के जवान थे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए, और वो हमारे शहीद हैं। मैडम लाला रुख से पूछते हैं कि क्या मामलात हैं जब इस तरह का कोई वाकिया हो। यकीनन तमाम कौम और पूरी कौम को यकजान होना चाहिए, लेकिन जो DGISP आ रहे हैं बाबर इफ्तिखार, उनकी तरफ से बड़ा बरहमी का इजहार किया गया कि क्यों आवाम ने इतना ट्रोल किया और इस केस को साजिश की जद में लाने की कोशिश की। हालांकि हम पाक आर्मी के साथ हैं और तमाम हमारे जवान फ्रंट लाइन्स पे लड़ रहे हैं और पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं, ऐसा जब वाकिया हो जो गैर कुवतें हैं वो पाकिस्तान के साथ खेलती हैं, तो हम एज आ आवाम हमें कैसा परफॉर्म करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं, यही मेरा काम है। देखिए, सबसे मैं इस इंसिडेंट को सबसे पहले लूँगी। हमजा मैंने पहले कह दिया था नहीं बनेगा, वो बेचारे को हफ्ते के लिए बनाया फिर उतार दिया। मैंने कहा था चौधरी साहब आएंगे, हो गया वो जो कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि हमारे लोगों को ये अभी तक अंदाज़ा ही नहीं है, आम आवाम को। हम समझते हैं कि जी आर्मी यूज़लेस है। हमारी आर्मी, अगर आपको पता हो, क्योंकि मेरी तो काफ़ी ज़्यादा फैमिली है आर्मी में, मेरे भांजे की पोस्टिंग हुई थी साइचिन पे। साइचिन पे 1 साल कंपलसरी है हर आर्मी ऑफिसर को एंड सिपाही को ड्यूटी देने की, जहां मौत आपके इतना करीब होती है, ठीक है। उसके अलावा मैं वज़ीरिस्तान गई हूँ बॉर्डर्स पे। वज़ीरिस्तान का वो एंड जो को पाकिस्तान के लोग नहीं जा सकते बग़ैर आर्मी के एस्कॉट के, क्योंकि वो बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ और बड़ा डेंजरस इलाका है। हमारी आर्मी के लोग वहाँ भी हैं, कितने तन्हा हैं, फैमिलीज़ भी नहीं होती उनके साथ, क्या क्या सख्तियाँ झेलते हैं। फिर उनकी जो आर्मी की जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं विंटर एंड समर, अगर आपको उनके बारे में थोड़ा सा पता चले। अब आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने 2-3 शोज़ दिखाए हैं और TV पे ड्रामे बनाए हैं आर्मी के बारे में, मगर फिर भी असल नहीं बता सकते थे। जब कोई ऐसा वाक़या होता है, पहले तो मेरा भाई एयरफोर्स में है, पायलट था GDP, कभी भी अखबार में नहीं आता था कि कोई भी एयरफोर्स आर्मी का शहीद हुआ है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितने शहीद होते थे, ये पहले ख़बर आती ही नहीं थी। इसीलिए कि ये एक खुफिया राज है जो हमारी आर्मी और एयरफोर्स के अंदर जो भी चीज़ होती है वो पब्लिक को नहीं पता होनी चाहिए। चलें, ये हो गया। अव्वल तो वो शहीद हैं, उनकी फैमिलीज़ को बहुत खुश हैं वो, क्योंकि सीधे जन्नत में गए। हम लोगों में से किसी के पास ये श्योरिटी नहीं है। आपने जिनका नाम लिया जनरल असलम सरफराज अली, चले हम उसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थी जो भी थी, इसको एक स्कैंडल बना दिया है। देखिए, स्कैंडल में और कॉन्स्पिरेसी में बहुत फ़र्क होता है। पूरी दुनिया में कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, और सबको पता है ज़ियाउल हक साहब का जो एयरक्राफ्ट का क्रैश था वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। बाद में 10 साल बाद पता लगा, चले गए, हम उनको शहीद ही कहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो का आपका क्या ख्याल है? रैंडम था, ऐसे तो नहीं था। लेकिन अब प्रॉबली बिकॉज ऑफ यूट्यूब इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग एंड फॉलोइंग एंड नेगेटिविटी फैलाना हर चीज़ को, मतलब गलत तरफ। अब एक आम जाहिल आदमी है, रेडी लगा रहा है, उसके हाथ में भी फ़ोन है जो कुछ भी देख सकता है, उसकी कितनी अकल समझ बूझ एजुकेशन है, जनरल नॉलेज है, दुनिया का नॉलेज है, कि उसको समझ आए कि ये आदमी गलत बात करे या सच बात करे। वो तो हर एक ही बात को सच समझ रहा है।
मतलब मेरे 31 जुलाई के मरने को सबने सच समझा, मैं नहीं मरी। देखे मैं आपके सामने बैठी हूँ और माशाल्लाह इतनी फ्रेश लग रही हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि हम लोगों को एक यकजा, आप जैसा आपने कहा यकजा, एक दिल एक जान होना चाहिए जब हमारे मुल्क की सालमियत की या हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बात आती है। मैडम मैं आपसे ये एक बात शेयर करता चलूँ, जो डी जी आई एस पी आर एम बाबर इफ्तिखार, वो बाकायदा उन्होंने कहा कि उनके जज्बात मजरूह हुए हैं जो फैमिलीज थी शहदा की। मतलब ये चीज़ यकीनन एक आर्मी पर्सन की तरफ से क्लियर करना, इसका मतलब हमारी आवाम इतनी बेहिस हो चुकी है कि कोई भी चीज़ मिलती है उसे इतना ट्रोल करते हैं, उसे सिर्फ व्यूज़ के पीछे सारा खराबा करते हैं कि जिन शहदा की जो शहदा हैं उनके घर वाले वो रोते हैं एक तो अपने जाने पे, लेकिन उसके बाद इस तरह के तमाशे लगाना आवाम की तरफ से या यूट्यूबर्स की तरफ से, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कोई पाबंदी होनी चाहिए, क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बीच में एक लॉ निकला था सच का कि जो भी आप स्टोरी दें उसके पीछे आप शवाहिद दें, और मैं बहुत खुश हुई ये सुनकर कि कोई भी आके बैठ के किसी भी चैनल पर कुछ भी बोल सकता है। यानी आप ये देख लें कि हमने अपने मुल्क में अपना मुल्क चोरों के हाथ में दे दिया, बड़ी इज्जतदार चोर, मतलब हमारा जो इस वक्त वो ये जो था हमजा था, इस पे केस था, अब राणा सनाउल्ला पे केस है मर्डर का, मतलब वो डॉक्टर ताहिर अल कादरी का जो 220 मजलूम लोग, कुछ उसकी अभी तक खबर आई है? उसका कुछ भी नहीं हुआ, और यकीनन इस मामले को यकीनन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आखिर में मैडम आप बताइएगा कि ये जो मामला हुआ है आर्मी के हवाले से पाक फ़ौज के बारे में और जो हमारे अफसरान शहीद हुए हैं उनके बारे में एक पैगाम आप दे दें। मैं तो ये कहूँगी क्योंकि मैं खुद बिलोंग करती हूँ, मेरा भाई एयरफोर्स ऑफिसर है, मेरे बहनोई आर्मी ऑफिसर है, मेरा भांजा आर्मी ऑफिसर है, रिटायर्ड हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह के वास्ते हमारी आर्मी को बुरा कभी भी ना कहें। आपको पता भी नहीं है कि वो किन हालात में रहते हैं और किस तरह से रहते हैं। 70% हमारी इकॉनमी के यहाँ से जाता है उनको, लेकिन इट इज़ बिकॉज दे वी नीड देम। अगर वो ना हो तो आपको तो कल इंडिया या कोई भी कंट्री आके ऐसे खा जाए जैसे सड़क पर पड़ा हुआ कोई गिरा हुआ होता है ना, मतलब अगर आप एक सड़क पर गिरा हुआ आम देखें तो उसको भी कोई ना खाए। हम इस इतने गैर महफूज हैं इनके बगैर, तो जो आपकी हिफाजत कर रहा है आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आप अपने घर के बाहर एक गार्ड खड़ा करते हैं और आप उसको रात को खाने को ये नहीं पूछते हैं कि जी आपने रात का खाना खाया है, नहीं बेटा आपके पास पानी की बोतल है, वो आपके घर का तब मुहाफिज है? नहीं, वही चोरी करवाएगा आपके घर में, क्योंकि आपने उसकी ज़रूरत का तो ख्याल रखा नहीं। अगर आप उसके जज्बात का ख्याल नहीं रखेंगे, उन फैमिलीज़ का, उन सात शहीदों का, उनके घरों में जाके आप उनकी बीवी और उनके बच्चों से और उनकी माओं से पूछ रहे हैं कि जी आपको कैसा लगा आपका बेटा शहीद हो गया, हाउ फनी इज़ दैट, ज़रूरत क्या है हमें इस चीज़ की? मैं ये समझता हूँ कि यूट्यूब और जो सोशल मीडिया है उसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका है और हर घर में मोबाइल है, लेकिन जब वही घर वाले अपने शहदा की इस तरह बेहुरमती देखते हैं कि ये मामला हुआ कि जी एक कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो यकीनन ये चीज़ बहुत दुखती है। हम उम्मीद भी करते हैं कि आवाम को भी समझना चाहिए और हुकूमत और आर्मी की तरफ से ये बात होनी चाहिए कि जो भी बंदा जो भी कॉन्टेंट डाल रहा है उसकी बाद में अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो उसे प्रूफ करेगा। बाकी हम जो पाक आर्मी के जितने शहदा हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं।